हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है। रिसेंटली इंडिया और ओमान के बीच में व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट हुआ है, तो ये क्या होता है, ग्रे शिप क्या होता है, ब्लैक शिप क्या होता है, ये सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। काफ़ी लोग ये कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको इस लिंक पर, ये वाली लिंक है जो लॉजिकल एजुकेशन, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इंस्टा पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये न्यूज़ क्या है, तो देखिए रिसेंटली साइन किया है एक एमओयू। किस किस के बीच में? वाइट शिपिंग एग्रीमेंट का है। इसमें वाइट शिपिंग की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज, तो इंडिया और ओमान। ठीक है, तो इंडिया की जो नेवी है और ओमान की नेवी है, वो अपने अपने शिप्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी अगर वो दूसरे की टेरिटरी में आता है तो। ठीक है, इसके लिए ओमान के एक कमांडर हैं रियर एडमिरल सैफ बिन नसर बिन मोहसिन अल रहवी। ठीक है, ये कमांडर हैं ओमान की रॉयल नेवी के, CRNO। ठीक है, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान। और हमारे इंडिया के एडमिरल करमवीर सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इंडियन नेवी के हैं, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, बट यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ओमान और इंडिया के बीच में वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इन्होंने MOU साइन किया, कब किया, 27th ऑफ सितंबर को। ओके, तो ये अग्रीमेंट था। इस अग्रीमेंट में क्या चीज़ें साइन की गई, क्या होगा इस अग्रीमेंट के बाद? तो ये जो MOU साइन किया है, ये एट मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर MSC मस्कट में किया गया है। ये ओमान की कैपिटल है। जब हमारे हमारी जो विजिट हुई थी ओमान में, उसके टाइम पर, ठीक है, CNS की विजिट जब ओमान में हुई थी, उस टाइम पर इन्होंने 27th को MOU साइन किया। ओके, इस MOU में क्या होगा? ये MOU फैसिलिटेट करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक थ्रू IFC IOR। ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगी मैं। इंडिया और MSC ओमान, इन दोनों के बीच में जो मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर ओमान है, उसके बीच में, और इंडिया का भी ये इंफॉर्मेशन देता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा टू एनहेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन द रीजन। अब ये IFC IOR क्या है? IFC IOR का फुल फॉर्म है इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के लिए ये इंडिया की नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, मतलब कि यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, जिससे कि ये कीप ट्रैक करे इस चीज़ को, शिपिंग ट्रैफिक एज वेल एज अदर क्रिटिकल डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, या शिपिंग ट्रैफिक जो होता है, शिप्स वगैरह आते हैं या हमारे शिप, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में इसके पास सब चीज़ें पता हो इसको। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया था। ओके, अब वाइट शिपिंग अग्रीमेंट क्या है जो अभी इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है, इसमें क्या होता है? तो बेसिकली वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन रखता है, ये रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं। देखिए, हमारे जो शिप्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। शिप्स वुड बी क्लासिफाइड इंटू वाइट, ग्रे और ब्लैक वेसल्स। ठीक है, तो वाइट शिप्स होते हैं जिनको कमर्शियल शिप्स जो होते हैं वाइट, ठीक है, ग्रे वेसल्स जो मिलिट्री वेसल्स होते हैं वो ग्रे, और ब्लैक इलीगल वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट हो रहा है वो कमर्शियल शिप्स के बीच में है, मतलब कि हमारे जो शिप हैं कमर्शियल शिप, वो अगर ओमान की टेरिटरी में जाते हैं तो हम उनको इन्फॉर्मेशन कर दे देंगे कि हमारे शिप्स आपके पास आ रहे हैं, उनका हमारे पास आता है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो हमारे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, अगर ओमान का कोई भी शिप आता है तो वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो कमर्शियल शिप्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उस टाइम पर
एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन का, पहले से ही बता देते हैं कि भाई हमारा शिप आपके पास आ रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम कोई हमला वगैरह नहीं कर रहे हैं, इस तरह का शिप भी नहीं है, वो सामान लेके जा रहा है, ठीक है। ऑन द मूवमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स, ये मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स नहीं है, नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स है, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। इससे क्या फायदा होता है, इट एस्टैब्लिश एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज द नेवीज ऑफ बोथ कंट्रीज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, दोनों नेवीज, दोनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। उससे क्या फायदा होगा, जब भी उनके टेरिटरी में आते हैं तो उससे काफी सारे फायदे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ देखते हैं। तो एक तो है सिक्योरिटी रीजन के लिए, सिक्योरिटी रीजन के लिए कि हमें पहले से पता हो कि भाई ओमान का जो शिप आ रहा है वो हमारे यहाँ आ रहा है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आके जा सकता है। तो एक तो सिक्योरिटी का हमें थ्रेट नहीं रहेगा, हम ये टेंशन में रहेंगे पता नहीं किस कंट्री का आया क्या आया, और उस पर कलर भी रहते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो हमें ऑलरेडी पता होगी तो प्रायर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैरीटाइम ट्रैफिक, ठीक है, तो वो मैरीटाइम में भी जैसे कि कोई भी प्लेन जाता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, तो उस हिसाब से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, तो सेम उसी तरह से है मैरीटाइम ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कब कौन सा क्या आना चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि टैकल एनी पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम सी रूट, हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी कंट्री से हमारे ऊपर हमला तो नहीं हो रहा है, किस तरह से ये लोग आ रहे हैं, वो सब चीज़ें पता चल जाए, तो कोई भी थ्रेट भी ना हो, सिक्योरिटी रीजन भी है और मैरिटाइम ट्रैफिक भी ना हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल वेसल्स, इसमें मैंने जो ब्लैक बताया था वो इलीगल वेसल्स हैं, इलीगल वेसल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है, दूसरी की रीजन में आ गए, अब इंडियन ओशियन रीजन में आ गए तो इंडिया में भी आ सकते हैं, तो वो इलीगल वेसल्स का पता चल जाए। कैसे पता चलेगा, जब हम वाइट शिपिंग, इलीगल वेसल्स का जनरली बताया नहीं जाता, ऑब्वियसली इलीगल नाम है मतलब उसका बताया नहीं जा रहा, तो वाइट शिपिंग में जो लीगल वेसल्स हैं उनका तो पता चल रहा है ना, तो बाकी जो बचे उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें किसी के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब वो इलीगल वेसल हो सकता है, ठीक है। एज दिस प्रोवाइड अस विद द प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ द वेसल, जो वेसल जा रहा है वो किस जगह पे जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन का भी पता होगा, उसका रूट का भी पता होगा, क्योंकि वो रूट भी पहले से ही प्लान कर लिया होगा। तो लाइक इंडिया से होके किसी और कंट्री में जा रहा है तो हमें पता होगा कि भाई इंडियन ओशियन को ये पार करेगा और यहाँ चला जाएगा, या इंडिया में आ रहा है तो ये भी पता चल जाएगा। तो जो लीगल वेसल्स हैं, जो वाइट जो कमर्शियल वेसल्स हैं, तो उनके बारे में हमें पता होगा तो हम ये भी पता कर पाएंगे इलीगल वेसल्स कौन से हैं। ग्रे के बारे में अभी तो इस तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, बट ग्रे के बारे में भी हो सकता है कि मिलिट्री के वेसल्स इधर से अगर गुजरेंगे तो बता दिया जाए। तो बेसिकली ये वाइट शिपिंग अग्रीमेंट होता है। इंडिया ऐसा ही नहीं है ओमान के साथ, उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन कर चुका है ये जो आपका वाइट शिपिंग एग्रीमेंट है वो, ठीक है, जैसे कि यूएस के साथ, सिंगापुर के साथ और बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये साइन करने का सोच भी रहा है, और अभी ओमान के साथ साइन किया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वाइट, ब्लैक और ग्रे शिप्स, ठीक है, ये कलर कोड भी बताया। तो बेसिकली कलर कोड रहते हैं हर कंट्री के, रहते हैं इस तरह से, तो हमें पता होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।